बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं, और हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें, और आमीन सुमा आमीन। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हमें सपोर्ट करनी है, और मेरी वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है, मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। और मैं आपको वो सब्जी दिखा रही थी जो उसे मैंने लगाई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने मेथी लगाई थी, मेथी ये वाली तो थी, मैंने मेथी लगाई थी वो वाली, ये वाली इस क्यारी में मैंने वो देसी पालक लगाई थी, आधी तो मकोड़े ले गए, आधी बची पड़ी है। ये वाला लहसुन लगाया था, ये मैंने प्याज लगाए थे, यही शुक्र है कि मेरे प्याज हो रहे हैं। जो हरी मिर्चें और टमाटर मैंने गले लगाए थे वो सर्दी की वजह से ख़त्म हो गए हैं, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है ना इस वजह से। ये वाले लहसुन है, तो जो पालक थी देसी पालक वो आधी तो मकोड़े ले गए, वो बीज वगैरह, और जैसे हमने वो दवाई वगैरह डाली थी तो कुछ तो बच गई है, कुछ मकोड़े ले गए हैं। अभी जो मैंने धनिया लगाई थी वो अभी तक हुई भी नहीं है, पता नहीं क्या मसला था, वो पता नहीं धनिया का बीज खराब था या धनिया खराब थी। जो गुलाब का फूल लगाया था वो उसकी कलियाँ सारे, वो जो माले वाले ना वो उसकी कलियाँ सारियाँ ले गए, वो दातरी के साथ काट काट के। अभी धुंध है, अभी सर्दी ज़्यादा है, काफ़ी धुंध वगैरह नीचे गिर रही है, जैसे आप बाइक पे जाते हैं तो कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं। मैंने कहा थोड़ी सी आपके आपके साथ बातें शेयर कर लेते हैं। तो कल मैं अम्मी के घर गई थी, जो नानो थी उसकी नानों की डेथ हो गई थी, अब 3-4 माह होने वाले हैं नानों की डेथ हो गई थी, तो जो अम्मी है ना वो नानों की वजह से परेशान रहती है, उसकी वजह से हर दिन रोती रहती है। तो कल मैं वहीं गई थी, अम्मी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने भी अम्मी को समझाया है, फिर भी अम्मी को वो ना थोड़ा हौसला नहीं आ रहा अभी तक। फिर भी माँ तो माँ होती है ना, चाहे जिसकी भी हो, माँ के तो सिवा इंसान अधूरा होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो चाहे बूढ़ा भी हो जाए, माँ तो माँ ही होती है। अभी जो बिस्तर है उनकी सर्विस हो रही है सर्दी की वजह से, तो अभी बच्चे बिस्तर में छुप के बैठे हुए हैं, तो अभी छोटे मेरे जो है वो सो रहे हैं, जो मरूश और जैनब है वो अपनी शरारतों में लगी हुई हैं। तो फिलहाल अभी मरूश और जैनब की मैंने कहा छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो जैनब का पापा कह रहा था कि कल कहते हैं कि छुट्टियां बढ़ रही हैं, मैंने कहा हाय अल्लाह अब तो छुट्टियां ना ही बढ़े तो अच्छी बात है, ये तो इतनी घर में ज्यादा शरारतें करती हैं ना दोनों बहनें मिलके, इंसान का दिमाग खा जाती हैं दोनों बहनें। ट्यूशन तो जाती नहीं है, सिपारा पढ़ने जाती हैं, तो सिपारा पढ़ने 1 बजे जाती हैं तो 3 बजे आ जाती हैं, फिर दिमाग खाने शुरू हो जाती हैं, जो डिश वगैरह जो है वो खराब हुई पड़ी है तो मोबाइल पे लग जाती है कार्टून देखने के लिए। बच्चे तो चीज खा लेते हैं रैपर फेंक देते हैं फैन में, तो मैंने कितनी बार कहा कि डस्टबिन में फेंक दिया करो, जब भी इनकी छुट्टियां खत्म होने वाली होती है ना फिर धुंध वगैरह बननी शुरू हो जाती है। मैंने कहा बच्चे को तो मजे बन गए, कहते होंगे कि अल्लाह मियां सर्दी ना खत्म करना, हमारी छुट्टियां तो आगे बढ़ रही है ना। अपने बाप दादियाँ फरमाइश कर रही हैं कि मटर वाले पुलाव बना के दो,
सारा दिन जब छुट्टियां होती है ना, सारा दिन तो काम करते करते गुजर जाती है। जैसे घर का काम करके फारिग होती हूँ तो दोपहर का उनका खाना बनाना पड़ जाता है, दोपहर को उनको खाना बना के दिया, फिर दूध बार आ जाता है, फिर दूध उनका संभाला बच्चों का, फिर वो रखा, फिर वो छोटे उठ जाते हैं। अब सर्दियां दिन भी तो छोटे हैं ना, सर्दी हो तो कोई काम करने को दिल नहीं करता, सारा दिन तो बंदा चूल्हे पे बैठे बैठे गुजर जाती है। रात को 3 बजे में उठी थी तो बिल्ला उसके ना इतना जोर जोर से शापर हिला रहा था, मैं तो डर के मारे चुप करके पड़ी रही, मैंने कहा कोई चोर आ गुस्सा रहा, तो इतना ज्यादा डरी हुई थी, मैंने कहा ऐसे लगता है यार कोई चोर गुस्सा रहा है, आज तो मैं नहीं बचूंगी। मैंने फिर अपने मियाँ को उठाया, मैंने कहा जाके देखो बाहर ना इतना चोर आ रहा है जोर जोर से, पता नहीं अंदर ही कोई आ गया, जाली वाला दरवाजा था लगता है मैंने तोड़ दिया है। जैसे वो बाहर आए देखते हैं तो जो हमारा बिल्ला था ना, वो जो हमने रखा हुआ है, वो इतना जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था, कहते ये लो यही चोर है जो बैठा है सामने, यही तो दरवाजा खटखटा रहा था। ज्यादा परेशान होके बैठी हो तो वो बिल्ला था, बिल्ला इतना जोर जोर से शोर कर रहा था, मैं तो इतनी ज्यादा डरी हुई थी, इस वजह से डरी हुई थी कि कह रहे हैं कि यहाँ पे अब तो ज्यादा चोरी वगैरह हो रही है ना, मुझे इस बात का डर था। मैंने कहा सर्दी है ना, जैसे महंगाई की वजह से चोराकारी भी ज्यादा होने लगी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ही हिदायत दे लोगों को।